करके कुछ काम शुरू करेंगे, तो ये जो आज सोमैया कॉलेज में मुंबई विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ये जो श्रृंखला, काम की श्रृंखला, भाषण की नहीं, काम की श्रृंखला शुरू की है, इसके शुभारंभ पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं जोशी साहब और नरेश जी को, समीर भाई को, कि हम सचमुच एक अच्छी शुरुआत कुछ करने की करें। आप सबको धन्यवाद और बधाई। सर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। सी फ्रंट बीच फ्रंट पे पानी क्यों ना पकड़े, ऐसे हम लोग क्यों ना करें, हम टैंक्स क्यों ना डाले शहर में, पानी गटर में जाते हैं, सी में जाते तो वो पकड़ सकते हैं, तो ऐसे क्यों ना करते हैं सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विंसेंट डिसूजा है सर। और सर ग्राम सभा, आप अपना डिस्प्यूट्स को 6 महीने के अंदर कैसे करते हैं, और अपने कोर्ट्स जो इतने होशियार है वो सालों साल लगते हैं वाद विवाद में, ऐसे कैसे होते हैं? थैंक यू। देखो जो बातें इन्होंने कही उन सब में सहमति करते हुए बस इनके एक सवाल का जवाब देता हूं। हमारी जो ग्राम सभाएं हैं राजस्थान की, वो ग्राम सभाएं आपस में बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय करती हैं, वहां बहुमत से निर्णय नहीं होता। ये जो बहुमत वाला निर्णय है ये एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है, लेकिन समाज को राजी करके सर्वसम्मति से, और यदि कभी सर्वसम्मति ना हो तो सर्वानुमति से काम किया जाए तो फिर ये काम करना आसान है। इस काम को करने के लिए समाज के बीच में कुछ थोड़ी चेतना और उसका बिल्डिंग ऑफ द ब्रिजेस, जो उसके आपस में तंतु टूट गए हैं उनको जोड़ने की जरूरत है। यदि आज भी जोड़ दें हम तो जिन जिन गांव में ये तंतु जुड़ जाते हैं वो गांव दोबारा से अपने भले के लिए काम करने लगते हैं। यदि हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमें इस काम की शुरुआत गांव से करनी पड़ेगी, पहले अपने आप से करनी पड़ेगी फिर गांव से करनी पड़ेगी। यस या एक्चुअली आई वांटेड कि सब लोग मेरा सवाल सुने। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मेरा सवाल यह है कि जैसा कि हम कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन करेंगे और लोगों को बताएंगे, तो ये मतलब सिर्फ उनको बोलने से नहीं होगा, कोई एक ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जिससे उनको समझ आए। और कम्युनिटी में, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ लोग हैं जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती या कुछ भी है, तो उनके लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। स्कूल के लोगों को समझा सकते हैं कि कोई हम इवेंट करें, कोई कंपटीशन करें, लेकिन जो स्लम्स हैं या जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, दे आर बेसिकली बोथ कनेक्टेड, बिकॉज वहाँ पे जो भी मेड्स हैं जो काम करते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम देयर। सो स्लम्स में हम ऐसी क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो, उनको एकदम समझ आ जाए कि हाँ ये वाटर इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स एंड वी शुड एक्चुअली डू समथिंग एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। दैट्स माय क्वेश्चन। देखो भारत में स्लम्स कैसे बनते हैं पहले इसको समझ लो, और स्लम्स हमारे लिए सम्मानजनक नहीं रहे आज, तो अब नए स्लम्स ना बने। स्लम्स बनते हैं जब जब गांव उजड़ते हैं, गांव के लोग बेपानी होकर या उसके हाथों को काम ना मिले या उसके दिमाग को शिक्षण ना मिले, जो उसको चाहिए वो जब गांव में नहीं होता तब वो गांव छोड़ता है मजबूरी के कारण। एक जमाना था जब गांव कुछ बड़े काम करने के लिए, कुछ बड़े अच्छे काम करने के लिए वॉलंटरली गांव से लोग निकल के कुछ देश के लिए अच्छा करते थे, समाज के लिए अच्छा करते थे। लेकिन इन दिनों में पिछले 12-15 सालों में मैं जो जिस तरह का, और पिछले 30 सालों से ही जिस तरह का माइग्रेशन हुआ है, ये माइग्रेशन फोर्स्ड माइग्रेशन है, मजबूरी में माइग्रेशन। और जो मजबूरी में माइग्रेशन होता है
वो अपनी मजबूरी को पूरी करने के लिए, अपनी लाचारी को पूरी करने के लिए, अपनी बेकारी को पूरी करने के लिए बेचारा मजबूरी से स्लम में रहता है, तो उसका दिमाग तो अपनी रोजी रोटी और उसमें लगा रहता है, इसलिए वो कॉमन फ्यूचर के बारे में स्लम में रहकर इतनी वरी नहीं कर सकता। इसलिए उस स्लम में आने वाले इंसान का आपको देखना पड़ेगा कि वो किस मजबूरी से आया है। इसलिए मैं दो बातें इसके बारे में कहना चाहूंगा, ये बड़ा गंभीर सवाल है। यदि हम भारत के स्लम्स को, जहां से ये स्लम्स बने हैं, उन गांवों को यदि सुख और समृद्धि के रास्ते पर ले आए तो स्लम बनने रुक जाएंगे। हम जहां से ये लोग आ रहे हैं वहीं पर काम शुरू करें, जैसे मैंने किया। मैंने तो, मैं इतना जानता हूं कि सूरत से, गुजरात का सूरत और अहमदाबाद और दिल्ली और बंबई, इन चार शहरों से मेरे इलाके के कम भी 30,000 लोग अलग अलग जगह से, जो मजबूरी में रहते थे इन शहरों में, इन स्लम्स में, वो वापस अपने गांव जाकर अब सुखी और समृद्धि होकर खेती का काम करते हैं। तो यदि आप अपने गांवों को ठीक से रोक देंगे, शहर में आना रोक देंगे, तो शहरों के ऊपर जो न्यू प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो भी रुकेगा और दूसरे का पानी लाना भी रुकेगा, फिर लोग अपनी चीजों पर जिंदा रहना शुरू करेंगे। तो एक तो हमें ये काम करना पड़ेगा, ये काम करेंगे तो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। दूसरा, अभी मजबूरी में कुछ जल्दी तत्कालिक यदि आप स्लम में करना चाहते हैं, तो फिर स्लम्स में जो लोग रहते हैं पहले उनके साथ बैठकर उनके वहां की रिसोर्स मैपिंग करके उनकी इच्छा समझ के फिर कुछ करने का तय करना पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें कुछ तत्काल बता दूं तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के साथ बैठ के काम करने की जरूरत है। यस, जरूर 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 जरूर। विदिशा हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मुझे चश्मा देना पड़ेगा वो बैग में, ये पढ़ देंगे। हाँ, यस, विदिशा हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। शी वांट्स टू नो हाउ कैन द यूथ ऑफ इंडिया सेंसिटाइज द इश्यू ऑफ वाटर मैनेजमेंट। यस, and next one is what are the actual challenges for river joining process, and the last question is you must have gone through very different situations, how did your family support your efforts? Dekho, maine to apni family se baat shuru ki aur main fir bhi jawab deta hu ki thode din 1.5 saal meri patni mujhse bahut naraaz rahi jab maine bharat sarkar ko choda, और मेरी पत्नी को यह पता चल गया कि ये पागल आदमी है। जब उसको यह पता चल गया कि ये पागल आदमी है, तो उसने मेरे साथ कोऑप किया और फिर मुझे जीवन में, यदि मैं आज तुम्हारे सामने बैठ के ये कह सकता हूं कि मैं आनंदित हूं और सुखी हूं, तो सबसे ज्यादा सहयोग मेरी पत्नी ने मुझे किया। उसका 1.5 साल का गुस्सा भूल जाइए, जब मैंने भारत सरकार छोड़ी, तो बस उसके बाद जो उसने मुझे जीवन भर और अब भी जो सहयोग है, मैं सचमुच उसी के सहयोग के कारण आनंदित हूं, बेफिक्र हूं, और जो भी कुछ कर रहा हूं मुझे उसका बहुत सकुन है, सुख है। दूसरा, देखो ये जो नदी जोड़ है, मैं पिछले 10 साल ये जो नदी जोड़ का इंपावर्ड हाई पावर्ड एनवायरमेंट ग्रुप वगैरह टास्क फोर्स था, उसका भारत सरकार का मेंबर था, इसलिए मैं उसकी अंदर की बातें बहुत जानता हूं। और अंदर की बातों को जानते हुए बस इतना कह रहा हूं, छोटे में जवाब दे रहा हूं कि नदी जोड़ भारत के लिए शुभ नहीं है, ना लाभदायी है। नदी जोड़ सचमुच भारत को तोड़ने की योजना है। आप जानते हैं भारत की नदियों के कंटूर में कितना फर्क है, उसके लेवल्स में, और पानी को
लिफ्ट करना कितना महंगा होगा। और चलो सब महंगाई को छोड़ दें, पैसे को छोड़ भी दें, तो हम ये देखें कि क्या आपके देश में कोई मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा पानी है, मैं अपना पानी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार है क्या कि मेरे प्रदेश में ज्यादा पानी है, मैं मध्य प्रदेश को पानी देना चाहता हूं। आज आपके देश में एक भी मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार नहीं है कि उनके पास सरप्लस पानी है और वो अपने नदियों का पानी दूसरे राज्य को देना चाहते हैं। आपके पास तीन एग्जाम्पल है लिंकिंग ऑफ द रिवर का। सबसे पुराना है SYL, सतलज यमुना व्यास लिंक। उस मुकदमे को 40 साल हो गए हमारी अदालत में चलते हुए, और पिछले 3 साल पहले अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री ने तो एक कानून ही बना दिया कि हम पुरानी जो तय हुई थी ट्रीटी उसकी पालना नहीं करेंगे, जो मेरे प्रदेश में पानी आता है वो मेरा है और उस पानी का मालिक मैं हूं। अपनी विधानसभा में पास करके मेरे राजस्थान का पानी का हिस्सा मुझे नहीं मिला, हरियाणा के प्रदेश का पानी का हिस्सा मुझे हरियाणा को नहीं मिला। SYL पे उस जमाने में कितना खर्च हुआ होगा, पूरा कैनाल सिस्टम बन गया था, पानी नहीं आया। दोस्तों मैं सच्ची बताऊं, ये लिंकिंग ऑफ द रिवर इतने युद्ध हमारे प्रो VC साहब ने, नरेश भाई ने बहुत क्लियरली कहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वार यदि होगा तो पानी के लिए होगा, और ये जो वर्ल्ड वार है ये हमें दिख रहा है, हम झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। यदि इस दुनिया को आप वार फ्री बनाना चाहते हो तो भैया पानी के साथ, नदियों के साथ जुड़ो, नदियों को मत जोड़ो। नदियों के साथ आप सब जुड़ जाओगे, नदियों के साथ हमारा दिमाग और हमारा दिल जुड़ जाएगा तो सबको पानी मिल जाएगा। जैसे हमने राजस्थान में 7 नदियों को, सूखी नदियों को पानीदार बनाया, वैसे भारत की सारी नदियों को पानीदार बनाया जा सकता है। सबसे कम बारिश की जगह मेरा राजस्थान यदि पानीदार बन सकता है तो फिर नदी जोड़ की क्या जरूरत है। दोस्तों नदी जोड़ के षड्यंत्र में दुनिया की 7 बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, और वो भारत की नहीं है, उसमें भारत की तो बेचारी छोटी छोटी हैं, विवंडी है, फ्रांस की स्वेज है, टेम्स है, किसके नाम लूं मैं तुम्हारे सामने। इन सब, ये सब चाहते हैं कि किसी तरह ही हिंदुस्तान में करोड़ लाखों करोड़ कर्जा लेके ये लोग नदी जोड़ पे पैसा खर्च करें और जो गरीब को, गांव को, शहर को पानी मिले वो सारे का सारा ये जो ये जो एक इन्होंने नया काम शुरू किया ना 3PPP, इसको BOT कहते हैं, तो ये भारत की नदियों को भी वैसे ही अपने कब्जे में करना चाहते हैं। देखो सड़कें तो ठीक है, सड़कों में मैंने कभी आपत्ति नहीं की, सड़कें निर्जीव हैं, नदियां सजीव हैं। सजीव को यदि आप मोनोपोली में किसी के कंट्रोल में दे देंगे तो फिर तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फिर कुछ बचा नहीं है भैया। जीवन को आप किसी दूसरे के कब्जे में नहीं दे सकते। आप सड़कों का लिंकिंग ऑफ द रोड कर लीजिए, सब कर लीजिए, हमने कभी विरोध नहीं किया, बट दोस्तों नदी जोड़ तो मेरा बस, जो भी मेरी बात, जिनका भी ये सवाल है वो कभी मुझसे अच्छे से बात कर ले। मैं तो पिछले 13 सालों से जब भी किसी कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो बस इतना ही कहता हूँ, यार नदी जोड़ की चिंता क्यों करते हो, नदियों के साथ तुम जुड़ जाओ तो नदियां पानीदार बनकर बहने लगेगी। Powerful images and beautiful implementation. After having learned so much today, I'm sure all of us have a lot of food for thought. Until next week, where we'll get to meet our next speaker. Meanwhile, the man who believes in education through practical knowledge and experience, I would like Sameer Somaya, sir, to come to the stage and share his thoughts. श्री राजेंद्र सिंह जी,
नमस्कार हमारे प्रो वाइस चांसलर जी नरेश चंद्र जी, नमस्कार श्री बंबाला जी, श्री रंगनाथन, मेरी बुआ लीला बहन, प्रिंसिपल जोशी, हमारे नए प्रोवोस्ट डॉक्टर भूषण दीवान। पहले तो मुंबई यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि आपने सोमैया विद्या विहार को यह आमंत्रण दिया और हमें आपने यह मौका दिया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो कहूंगा अच्छा लगा हिंदी में बात सुनने की। एक तरह से नदियों से भी हम अलग हो चुके हैं, अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृतियों से भी हम अलग हो चुके हैं। और अगर कभी ना कभी तो हमारी शिक्षण प्रणाली में, हमारी शिक्षण व्यवस्था में थोड़ा बदलाव तो लाना होगा, ताकि हम हमारी संस्कृति से अपनी भाषाओं के माध्यम से जुड़ सकें। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी को हम निकाल लें, अंग्रेजी को जानना जरूरी है, आधुनिक भाषा है, काफ़ी नया ज्ञान इससे उत्पन्न होता है, लेकिन हमारी भी, जैसे आपने बात कही, हमारी भी संस्कृति में, हमारी भी भाषाओं में काफ़ी ज्ञान छुपा हुआ है, और अगर भाषाएं अपनी भूल जाएंगे तो वो ज्ञान भी साथ साथ छुप जाएगा। तो अच्छा लगा। सोमैया विद्या विहार का निर्माण हमारे दादाजी ने किया था, लेकिन गोदावरी शुगर मिल्स नाम की कंपनी के माध्यम से, क्योंकि पहले उन्होंने गोदावरी शुगर मिल्स की रचना की थी और उसके बाद उनको लगा कि जब 1959 में उनको लगा कि अब हम सोमैया विद्या विहार करें कि ज्ञान या विद्यादान हो, तो इसलिए उन्होंने इसकी रचना की। तो गोदावरी नदी के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। गोदावरी नदी, प्रवरा, पानी के साथ। एक हफ्ते पहले हमारे दफ्तर में एक बैंक से एक आए थे अफसर आए थे, बैंक नहीं थे, इक्विटी इन्वेस्टर थे, ऐसे ही पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा है आपका काम। तो मैंने कहा कि हमारी फैक्ट्री, हमारा कारखाना बंद है। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने कहा हम गोदावरी के किनारे पर हैं और गोदावरी में पानी नहीं है। मैंने कहा फुटबॉल खेल सकते हैं हम, उतना पानी नहीं, जरा बिल्कुल पानी नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा, तो आपके बिजनेस में पानी की आवश्यकता है क्या? मैंने कहा बंबई में रहते रहते, ऐसे माने मजाक की बात नहीं है, क्योंकि हम बंबई में रहते हैं तो हमें पानी ना होने का या पानी ना मिलने से क्या तकलीफ उत्पन्न होती है हमें पता नहीं लगता है। पानी हमें कहाँ मिलता है? नल से मिलता है, और नल जब खोल लो तो पानी आ जाता है। तो ऐसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जिसने हमसे ये बात की, उन्होंने पूछा अच्छा आपको अगर पानी नहीं होता है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैंने फिर उनको समझाया कि देखिए साहब, बम्बई में पानी हमको तनसा, विहार, बहुत से वैसे डैमों से हमें उत्पन्न होता है, हमें उपलब्ध होता है, लेकिन गाँव में तो वहाँ पर तो पानी लाना पड़ता है, दूर दूर से लाना पड़ता है, वहां पे तो पीने का पानी नहीं है, तो हमारे कारखाने के लिए पानी से कहा। दो दिन पहले जोर की वर्षा हुई, धारणा और गंगापुर डैमों में पानी भर गया, मैं वहीं था। तीन दिन पहले तो पानी बिल्कुल नदी में नहीं था, और दो दिन पहले उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो नदी का प्रवाह जोर में था। तो ये एक तरह से, लेकिन हमें भी इसे एक तरह से पेरेनियल, जैसे आपने कहा, पेरेनियल करना है, और ऐसे नहीं कि 4 महीने पानी रहे, 6 महीने पानी रहे, और फिर 6 महीने बाद में लोग पानी के लिए तरसते रहें, जो आज की वहाँ पे वो जो है परिस्थिति है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपने जो हमें बताया,
हम भी आपके साथ जुड़ जाएं और हम पानी से जुड़ जाएं। हम बहुत सोचते हैं कि हम जिस तरह से सिखाते हैं, हम बच्चों को अनुभव के तौर से भी सिखाएं। थियरी और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत है। जो आपकी ये कंपेयर कर रही है योगिता, वो भी गई थी कर्नाटक में, हमने उसे बताया तो वो गई थी वहां देखने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते तो उसने सॉइल टेस्टिंग और सब किसानों के साथ बैठ के ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या लाभ हैं, और अगर बिना सोचे बिना समझे किसी भी तरह की फर्टिलाइजर अगर आप ठोप दो जमीन में तो उसके क्या बुरे परिणाम है, वो उसने भी मास्टर्स ऑफ साइंस कर रही है, तो ऐसे हम तो चाहते हैं कि हर इतने सारे बच्चे हमारे पास, वैसे सोमैया विद्याविहार के अंदर 35,000 बच्चे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हजार प्रोजेक्ट चालू रहें, हजार प्रोजेक्ट हो जाएं। जो बच्चे आजकल हमने सुना है कि बहुत से बच्चे कट एंड पेस्ट बहुत करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं अगर प्रोजेक्ट होता है तो, ये तो एक तरह से बेईमानी हुई, हम तो सोच समझते ये तो बेईमानी ही हुई। लेकिन अगर अच्छी तरह से कट एंड पेस्ट ना भी करें और सही का काम करें, लेकिन इससे और भी बेहतर होगा अगर हम बाहर जाके, जो आप कहते हैं कि जो पीएचडी कौन कहता है कि बाहर जाके ये काम करो, हम तो कहते हैं कि अपने ही प्रोजेक्ट में आप इस तरह से काम करते रहें। 10 दिन पहले अहमदाबाद गया था, मानव सेवा का ही एक संस्था है वहां पे, उसने तो मुझे कहा कि उनका भगवान कौन है, भ भूमि ग गगन व वायु अ अग्नि और न नीर, उनको हर रोज प्रणाम करते हैं। और उन्होंने कहा कि गांवों में शौचालयों का भी प्रबंध नहीं है, तो हमने सोचा कि हम भी उनके साथ जुड़ जाएं और कोशिश करें, जैसे लीला बहन ने कहा कि दहाणु में हो या कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में हो या फिर हमारे ही जो हमारे दादा का जो गांव है तेरा कच्छ में हो, एक तरह से हम उनके साथ भी जुड़ जाएं और ऐसा काम उनके साथ शुरू करें। गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर अ मैंस नीड बट नॉट इनफ फॉर अ मैंस ग्रीड, और उसी ही तरह दलाई लामा साहब यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि इज देयर अ लिमिट टू द ग्रीड इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि टुडे आवर एजुकेशन सिस्टम इज टीचिंग अस टू चेज दैट विच इज लिमिटेड एंड टू फॉरगेट दैट विच इज अनलिमिटेड। उन्होंने कहा लेट अस फोकस ऑन बिल्डिंग एंड कल्टिवेटिंग दैट विच इज अनलिमिटेड, आर माइंड आर इंटेलिजेंस एंड लेट अस लर्न टू लिव हैप्पीली विथ वॉट इज लिमिटेड। आखिरी बात कहूंगा कि महाभारत में एक बड़ा अच्छा था एक संस्कृत श्लोक है जो मेरे हिसाब से भीष्म पितामह ने कहा था कि पाणियम परमम दानम दाना नाम मनुब्रवीत तस्मात कूपश्च वापिश्च तड़ागानी च खानयेत। सही कहा कि नहीं कलावेन, थोड़ा कुछ गलती हो गई तो माफ करना, लेकिन पानी का प्रबंध करना सभी दानों से उत्तम दान है, ये भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमारे पथ प्रदर्शक बनिएगा। नमस्कार। बिफोर आई कॉल डॉक्टर सुगंधा शेते मैम टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स, आई वुड लाइक टू टेल हर अबाउट हाउ ग्रेटफुल वी आर फॉर ऑल आवर एफर्ट्स एंड फॉर लीडिंग द डिपार्टमेंट फॉरवर्ड विद दिस इवेंट, एंड वी शुड एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स सुगंधा मैम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। So ma'am, please take the stage. Good afternoon everybody, and thank you Jagata for the kind words. Dignitaries in the audience, the honorable guests, special invitees, principals and heads of departments, esteemed faculty and students, a very good afternoon.
It's my proud privilege and joy to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. It is a matter of utmost delight to express our gratitude first and foremost to the most inspired figure named amongst the 50 people who could save this planet, the most charismatic personality, Dr. Rajendra Singh Ji. Sir, greatness is a property for which no man can receive credits too soon. It must be possessed long before it is acknowledged. You have said rightly throughout your inspiring speech for my young students. We express our infinite gratitude for accepting our invitation and for the simple, direct and lucid interaction with the youth from various colleges affiliated to the University of Mumbai. We indeed are happy for the reason that two topmost distinguished functionaries of the University of Mumbai were supposed to be amidst us. I sincerely thank you for gracing this occasion. Honorable Vice Chancellor could not attend this function. However, he was a man of action. He is a man of action, and he has introduced several measures to bring about a paradigm shift in all matters pertaining to university governance and reforms in higher education. The third series of Eyes, Enlighten Yourself Every Saturday, a public lecture series, is one of these initiatives, and we express our infinite gratitude for giving us this challenging responsibility of organizing this event at Somaya Vidya Vihar. Honorable Pro Vice Chancellor Professor Dr. Naresh Chandra, who is known so well by all of us, a dynamic leader, a reputed principal, a great teacher and believer in making change happen in the realm of education. Sir, we are indebted to you for the very inspiring introduction of the Enlighten Yourself Every Saturday series, the initiative of University of Mumbai. Thank you very much, sir. I also acknowledge our grateful thanks to the Pro Vice Chancellor and Vice Chancellor who have helped our college on several occasions in the past, and we hope, wish and presume that both these dignitaries will continue guiding our institution, particularly when we have received the autonomous status. Now, we are indeed blessed by the presence of our own Adarniya Srimati Leelaben Kotakji on this occasion. I thank on behalf of all the faculty and staff for gracing this occasion, ma'am. Next is the sacred task of extending our sincere thanks to Mr. Samir Somayaji, Vice President, Somaya Vidya Vihar Trust, President, Somaya Vidya Vihar Trust, who has labored ceaselessly in order to fulfill the prophetic vision of his beloved grandfather, Pujya Shri Karamshibhai Jethabhai Somayaji. I extend our sincere thanks to Venerable Shriman V. Ranganathan Sir, Honorable Secretary and Chief Advisor, Somaya Trust, a visionary and a man of action, for sparing his valuable time for all of us and gracing this occasion. We are indeed delighted to thank distinguished functionaries of Somaya Vidya Vihar, Provost Professor Bhushan Diwan, on his first such public program at Somaya Vidya Vihar, for his gracious presence here today. IIS 2014 is a long cherished dream of our principal. The successful culmination of this program owes a lot to the guidance and support of our most sincere, dynamic, democratic and charismatic leader, Principal Dr. Vijay Joshi. We extend our sincere thanks for the 24/7 guidance and stewardship rendered for reaping several
accolades to our institution, accomplishments, prizes, awards, rewards, and recognition for our institution. I extend my sincere thanks to Dr. Kala Acharya.